अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:32। मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से अफ्तार बनाते हैं। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक क्विक अफ्तार प्रिपरेशन है। तो सब चीज़ की रेसिपी तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैं जल्दी जल्दी कैसे अफ्तार बनाती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे छोले की चाट। तो छोले की चाट के लिए आलू और छोला मैंने पहले से बॉईल कर दिया था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और तेल गरम हो गया है। तेल गरम होते ही मैंने उसमें शामिल किया ज़ीरा पाउडर और उसके साथ मैं डालूंगी उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च। आप चाहो तो टिक्की भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके से आज फ्राई करके बनाया था आलू को। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। तो ये बॉईल किए हुए आलू हैं जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब साइज़ में काट लिया है और इसको हम थोड़ी सा स्टर करेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देंगे जी नमक। मैंने काला नमक यूज़ किया है, आप चाहो तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ी देर इसको सौते करेंगे कि ये अच्छे से जो है थोड़ा सा कुरमुरा सा हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये मेरा आलू रेडी हो गया है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। और ये रहा आलू। तो सबसे पहले मैंने इसमें आलू डाला है और ये छोला है। छोला जो है ये मैंने बॉईल कर लिया था। छोला बॉईल करने के टाइम मैंने उसमें नमक, लाल मिर्च और थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले थे। तो अब ये हम इस पर पूरा छोला इस तरीके से डाल देंगे। और छोला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। भून के ज़ीरा आप डालिए, ज़ीरा पाउडर तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी थोड़ा काला नमक डाला है। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू, आप फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकते हो, और आपके पास लेमन जूस है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और ये धनिया की चटनी है, ये मैंने पहले से बना रखी थी। तो इसमें मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा और नींबू डाला है। अब जो है ये है दही। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए, तो ये थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट रहे। आप इसमें इमली की चटनी भी डाल सकते हो, मैंने वो नहीं डाली है, लेकिन आप चाहो तो उसमें इमली की चटनी ज़रूर डालें तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक और अब जो है वो भुनी हुई लाल मिर्च डालेंगे। तो ज़ीरा और लाल मिर्च आप भून लें तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर ही अलग हो जाता है। और अब जो है थोड़ा सा जो हरा धनिया था ये ऊपर से मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो हरा धनिया और की जो टेस्ट है इस हरी चटनी की वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस चाट में। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा अनियन डाल दूंगी। तो ये हमारे छोले की चाट रेडी हो गई है। तो ये झटपट से बन जाती है, ये देखिए। और रेसिपी की तरफ, तो ये जो है वो चिकन की रेसिपी है। आप इसको चिली चिकन कह सकते हो, आप इसको पेपर चिकन कह सकते हो, ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है। चिकन मैरिनेशन में मैंने चिकन में पेपर और चिली और सोया सॉस और लहसुन अदरक डाला है। उसके बाद मैंने उसमें अंडा, कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला है। यहाँ पे तेल मैं ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे इसको फ्राई नहीं करना है, मैं इसको सिर्फ हल्का सा कुक करूँगी। तो हल्का सा जब तेल गर्म हो जाए तो ये सारा चिकन मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये कुक करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम धीमा नहीं रखना है, तो आप फ्लेम थोड़ा हाई रखें सो दैट जब भी आप ऐसे ड्राई ग्रेवी चीज़ बना रहे हो तो हाई फ्लेम में थोड़ी देर कुक करें और फिर फ्लेम जो है आप धीमा कर सकते हैं। तो बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है ताकि ये चिकन जो है वो नीचे चिपके ना। और इसको हमें एकदम अच्छे से गला लेना है। आप छूकर बीच में टच करके देख सकते हो कि आपका चिकन गला है कि नहीं। ये देखिए मेरा चिकन अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा और भून लूँगी ताकि इसकी जो रॉनेस है और जिसका जो एक स्मेल होती है, जो हीक होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो ये अच्छे से मेरा चिकन हो गया। अब मैं इसको जो है इसको निकाल लूँगी और फिर हम इसकी जो है ड्राई ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो चिकन मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा, अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल लूँगी जो है। और तेल गरम होने के बाद यहाँ पे मैंने दो खड़ी हरी मिर्च डाल दी है और उसके बाद जो है उसको हल्का सा मैं सौते करूँगी। सौते होने के बाद मैं इसमें जो है डाल दूँगी लहसुन।
तो अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हो। और लहसुन डालने के बाद मैं लहसुन को थोड़ी देर सौते करूंगी ताकि उसका जो एक स्मेल है, जो रौनस है, वो चली जाए। और लहसुन आप बहुत अच्छे से डालो ताकि चिकन का जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छा बनता है। लहसुन की उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, गार्लिक की जो स्मेल होती है, तो उससे ग्रेवी अच्छी बनती है। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने अराउंड एक अनियन लिया है इसको, जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है। और साथ ही मैं डाल दूंगी बेल पेपर। मैंने यहाँ पे रेड बेल पेपर यूज़ किया है, आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, येलो भी यूज़ कर सकते हो, तो आप चाहो तो तीनों भी यूज़ कर सकते हो, तो और भी कलरफुल और जो इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ही अमेजिंग होती है। तो आप चाहो तो तीनों बेल पेपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ वेरी ऑप्शनल। अब इसको अच्छे से सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक और उसके बाद हम शामिल करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च आप इसमें अच्छे से डालो क्योंकि इसका जो मेन फ्लेवर जो है ना वो काली मिर्च का ही रहता है। तो अच्छे से आप काली मिर्च डालो। हाँ, इतना नहीं कि वो काला हो जाए, बट हाँ इतना कि उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसको मैंने 5 मिनट तक पका लिया है, ये अच्छे से गल गया है। और अब मैं इसमें जो है डाल दूंगी चिकन, जितना भी ये जो चिकन था ये इसमें मैंने इसमें डाल दिया है। और चिकन डालते ही अब मैं इसमें डाल दूंगी सोया सॉस। तो सोया सॉस आप हिसाब से डालिए, और सोया सॉस डालते हैं तो इसलिए नमक थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। तो ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब जो है अब इसमें हम डालेंगे केचप। तो केचप जो है यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप अच्छे से डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और ये अच्छे से सारे सॉस में मिक्स हो गया। आप चाहो तो चिली सॉस भी डाल सकते हो। और लास्ट पे मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा और थोड़ा सा पेपर पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है। इससे डालने से क्या होता है, इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाती है और अच्छा लगता है। तो ये हमारा जो बेल पेपर है या चिली चिकन जो भी कह लो आप, वो रेडी हो गया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गरम करना है मसूर दाल के पकौड़े। तो ये मसूर दाल मैंने पहले से भिगो ली थी और उसमें बस मैंने हल्दी, मिर्च, नमक, ज़ीरा और पालक के पत्ते काट के डाल लिए हैं। तो ये मसूर के पकौड़े, मसूर दाल के मैं पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़े बनने के बाद मैं यहाँ पे बैंगनी बना रही हूँ या बैंगन के पकौड़े बना रही हूँ। तो ये बेसन में मैं लपेट के बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन बहुत अच्छे से फेंट लिया था, तो ये बहुत अच्छी फुली फुली ये बैंगनी बनी थी। तो इसकी रेसिपी, डिटेल रेसिपी मैं किसी और व्लॉग में आपको दूंगी क्योंकि व्लॉग। और लास्ट में मैंने बनाया था फ्रूट चाट, तो ये भी बहुत चटपटी सी रेसिपी है। और ये देखिए हमारा जो अफ्तार है वो लग गया है। तो अफ्तार का टाइम हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अफ्तार करने। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सारी अफ्तारी जो है मैंने 1 घंटे में बनाई थी और मैं ये बहुत क्विक है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दे बहुत सारा प्यार, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर इसी एंड पे इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आने वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या होगा आपको पता चलेगा। टिल देन टेक केयर, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।